आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे से, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया घर के कामों को ख़त्म करना, तो झाड़ू किया, उसके बाद में पोछा मैं ज़्यादा लगा नहीं पाती हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने में पेट बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, गोल्डी लगा देती है। और कोशिश करती हूँ जो काम ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू वगैरह के मैं कर सकूँ उसे कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू ही लगता है हमारे यहाँ, फिर कुछ होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। सुबह सुबह की शुरुआत मेरे किचन से हो रही है आज, पर मैं काम नहीं कर रही हूँ, काम गोल्डी कर रही है। निकल क्या निकल और गोल्डी बनाई है आज मालपुआ, जो कि गोल्डी बना रही है और हम लोग खाएंगे। दूसरी बार है आज लाइफ में, दूसरी बार है। और इधर मेरे भाई बैठ के मालपुआ खा रहा है और अब मेरी बारी। पहले मैं दवा खाऊंगी उल्टी ना आने के लिए, उसके बाद मालपुआ खाएंगे। काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग, ये गए हैं अपना ऑफिस और आज इनको निकलना भी है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये आपको वीडियो में पता चलेगा। सो गाइस, सबसे पहले चलिए मैं दवा खा के फिर अपना मालपुआ खाती हूँ। तो ये है मेरी उल्टी की दवा और मैं डेली खा ही लेती हूँ मॉर्निंग में। अगर ना खाऊं ना तो शाम तक मेरा मन करेगा कि मुझे उल्टी आ जाए, तो इससे अच्छा दवा खा लूँ, कम से कम नॉर्मल तो रहूँ। हमारे यहाँ मालपुआ अचार के साथ खाया जाता है, आम के अचार के साथ। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग भी अचार के साथ खाते हैं क्या? और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे तो उसे मैंने खाया। फिर स्टार्ट कर दी अपनी स्टडी, क्योंकि पढ़ाई की भी बहुत टेंशन हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेबी होने के बाद मैं पढ़ पाऊँगी या नहीं। जहाँ तक नहीं पढ़ पाऊँगी ये तो हर लेडीज समझ सकती है। तो मैं सोच रही थी अभी यूपी टेट का नोटिफिकेशन तो आने वाला है और वो 100% श्योर है कि यूपी टेट होके रहेगा। और इस चक्कर में मैं सोच रही थी कि अगर 1/4 नंबर ऐड होता है तो मुझे यूपी टेट की प्रिपरेशन फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पिछली बार कम मार्क्स आए थे और इस बार हो सकता है ज़्यादा नंबर आए। तो मैं सोच रही थी नया रूल आने से पहले खुद की अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। और मैं राइट हैंड से नहीं लिखती हूँ, ये फ्रंट कैमरा है इसलिए ऐसे शो हो रहा है। और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा ही पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि बैठ के लगातार मैं पढ़ नहीं सकती। और फिर हम लोग बर्तन धुलने लगे थे, मैं और मेरी सिस्टर हेल्प करा रही थी मेरे काम में। अब वो चली जाएगी तो सारा काम अकेले खुद से ही करना पड़ेगा। बड़ा बेकार लगेगा घर में अकेले रहना, पर यही है कि कब तक कोई साथ देगा। मतलब इतना साथ दिया बहुत है मेरे लिए। और लास्ट टाइम पे फिर मम्मी को और बहन को भी आना है, घर पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, पापा भी अकेले हैं। तो इसी चक्कर में देखिए फिर गोल्डी कब तक आती है, जल्दी ही आएगी। और अभी जाने का भी टिकट नहीं हुआ है इसका। और अब गोल्डी ने बनाया मेरे लिए शेक, पीलो बन के तैयार है। स्ट्रॉबेरी शेक है ये, बहुत ज़्यादा नहीं है यार भर के, ज़्यादा नहीं है वो। और मेरा भाई काम पे लगा, सब्जी कटिंग कर रहा है। डिंग 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 डिंग। अब इनको भी जाना है घर, यानी कि लखनऊ, तो ये मुझे छोड़ के अकेले जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो गाइस, वही थोड़ा लग रहा था मुझे कि अकेले, मतलब हम हैं भाई है बहन है, पर ये रहता है ना कि थोड़ा वो भी रहते हैं तो ठीक लगता है। खैर कोई नहीं, जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो चले गए। अच्छा आप लोग कमेंट में मुझे बताना जाना ज़रूरी था कि नहीं। अब जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम तो नहीं, पर इतनी दूर गए हैं पंजाब से यूपी तो 1 हफ्ता तो लगेगा ही आने जाने में। तो देखिए कब तक आते हैं, पर थोड़ा सैड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि जा रहे हैं। हम गोल्डी शिवम सभी लोग यहीं पे बैठे हुए थे और ये अपना ऐसे लेटे में सामान पैक कर रही हूँ मैं। मैंने ना बैग में वही टिफ़िन वगैरह रख दिया था कि रास्ते के लिए पूड़ी, आलू की सब्जी और भिंडी की सब्जी, खीरा वगैरह ये सब पैक कर दिया था। पानी की बोतल भी रख दिया था अच्छे से। और फिर चुकंदर का जूस मुझे पीना था तो मैं वही जूस पी रही हूँ। और क्या करूँ, बस इस बार हीमोग्लोबिन मेरा बढ़ के आ जाए, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए मेरी। इनकी ट्रेन रात की थी और मॉर्निंग में पहुंचा देती है, जैसे 12 घंटे लगते हैं ट्रेन से यहाँ से लखनऊ तक। और खुश होने जाते यहाँ खुश हो रहे हैं। अरे मेरे दिल से कुछ खुश तो हो रहे हैं। देखेंगे कितनी बार फोन आ रहा है बेटा घर जाके, हम तो यहाँ अकेले हैं। अकेले हो? और वो दो कुछ नहीं है मेरे लिए, आप नहीं है तो कोई भाई बहन नहीं। कहाँ बजे ट्रेन अभी टाइम है, जाओ ना। नीचे वॉक करते, दरवाजा बंद कर दो, लकड़ी वाला पहले बंद कर। अभी ट्रेन आने में कुछ टाइम था तो हम लोग बस ऐसे ही नीचे वॉक कर रहे थे।
चले गए हैं अब स्टेशन, अभी ट्रेन नहीं मिली है और 8 बज गई है और हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं चाय और साथ में अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है ये भी कह सकते हैं। तो सच्ची बताऊं अगर आपसे तो अपने दिल की बात अकेले हूं मैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, बेकार बिल्कुल भी नहीं लग रहा है फिलहाल। तो पता है क्यों, क्योंकि भाई बहन घर पे हैं तो हम लोग यहाँ पे सोच के रखे कि अच्छे से इंजॉय करेंगे, मजा आएगा ये वो, और ऐसा नहीं है कि याद नहीं आएगी, याद आएगी, बट अगर ये लोग ना होते गोल्डी शिवम तो अकेले बहुत ज़्यादा बेकार लगता, फिर मैं कहती कि यार मत ही जाओ या फिर मुझे लेके चलो, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती। बट गोल्डी शिवम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है, काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता मुझे क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। आप लोगों को पता ही है कि दोनों के दोनों काम कर लेते हैं। हमारे घर में ये नहीं होता है कि आप लड़का हो तो आप काम मत करो, घर पे भी शिवम को सब कुछ आता है, खाना बनाना सब कुछ, मतलब ये होता है कि नहीं मम्मी ये नहीं कहती कि तुम भैया खाना ना बनाओ या तुम ये ना करो, टाइम है अगर तो अपने मन से खुद से ही होता है कि चलो काम कर लेते। तो ये हमारे यहाँ होता है कि मतलब अच्छा भी लगता है मुझे, मैं खुद सोचती हूँ अगर मेरे भी लड़का होगा या लड़की होगी जो भी होगा मैं काम करना जरूर सिखाऊंगी लड़का हुआ अगर, तो कि काम जरूर करो चाहे खुद कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, पर ये चीज़ बराबरी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है ना कि लड़की ही काम करे। और मैं तो तब भी बहुत अच्छे में हूँ क्योंकि मेरे साथ चलो हस्बैंड वाइफ अभी रह रहे हैं, पहले मैं ससुराल में रहती थी जब, तो बहुत ज़्यादा काम होता था वहाँ पे, और समझ सकती हूँ उन लेडीज़ों को जो ससुराल में रहते हैं, पूरी ज्वाइंट फैमिली होती है, इतना सारा काम करना होता है उन लोगों को, बच्चे प्लस पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत ही मेहनत का काम है, बट टाइम तो निकालना ही पड़ेगा आप लोगों को अपने लिए, ज़्यादा नहीं तो बस दिन के 2 घंटे निकाले। जब जो लोग एक कमेंट आया था ना कि मेरे पास पैसे नहीं उतना कि मैं कोई मतलब जो टीचिंग क्लासेस होती है ऑनलाइन क्लास परचेज कर सकूं, तो मैंने उनसे यही कहा था कि कोई बात नहीं परचेज नहीं कर सकते नहीं सही, बट आप रेगुलर पढ़ाई करो, आप चाहो तो मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं खुद जो भी पढ़ूंगी जिस चीज़ से पढ़ूंगी और टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ बताती रहूंगी कि आज मैंने हिंदी में इस टॉपिक को पढ़ा है, जैसे वाच्य पढ़ा मैंने तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप चाहो तो उसको अच्छे से पढ़ सकते हो वाच्य वगैरह। तो उस दिन हम दोनों लोगों का हम सबका एक ही चीज़ वो तैयार होता जाएगा, यूपी टेट एंड सुपर टेट दोनों के लिए वो सही रहेगा। तो गाइज अगर आप लोग मेरे साथ चाहते हो तैयारी करना प्रिपरेशन करना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलूंगी आपसे कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।